ऊपर, कितनी ऊपर मंदिर है और मंदिर के ऊपर। तो हाय गाइस, सुबह सुबह का माहौल है और 6:15 बज रही है और हम निकल रहे हैं एक बेहतरीन सी जगह। चलो आपको वहीं जाके बताता हूँ मैं। तो दोस्तों क्या है कि बहुत सारे जने रहते हैं ना, तो लेट तो हो ही जाता है, तो हम थोड़े से लेट हो गए। सस्ती स्कॉर्पियो के मजे लेंगे आज हम। डैशबोर्ड वगैरह तो बहुत बेहतरीन लग रहा है और ये क्या है, इसमें चीटी हो गई थी तो पूरी चितर दी गई है इसको। लक्ष्मण रेखा से करते हैं शुरुआत। हमारे पंडित जी बैठ चुके हैं गाड़ी में। क्या बेहतरीन जंगल का आनंद आना है अभी हमको। बेहतरीन हरियाली हरियाली दिखो गया। मजा आ रहा है कि नहीं आपको? अरे बहुत मजा आ रहा है। रास्ता देखो आप क्या बेहतरीन। तो इस वीडियो में आपको एक से एक शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे, पर आराम आराम से देखना, कहीं कोई साहब से छूट ना जाए। देखिए तो फिर अब चेक द माइक एंड मेक श्योर इट साउंड राइट बॉयज। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे और व्यू दिखाते हैं आपको कि कैसा क्या है। ये देखो बिल्कुल नदी के सामने और इसी पुल से हम आए हुए हैं। थोड़ा और अच्छे से बताएंगे बाद में। तो हम यहाँ पे आए हैं क्या, दीपू भैया को कुछ पूजा पाठ करानी है, तो उनकी पूजा पाठ चल रही है। अरे नर्मदा जी के किनारे मंदिर है, बढ़िया था। तो ये दीपू भैया झाड़ू लगा रहे हैं और आप भी कोई मंदिर में जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, पर ये ऐसे साफ सफाई और हर मंदिर में आजकल ये आप डस्टबिन देख सकते हैं, ये सिर्फ हार फूल और अगरबत्ती के लिए ही रखा गया है जो वेस्ट निकलता है, तो आपको उनको ठिकाने लगाना है, साफ सफाई रखनी है। मतलब सफाई बहुत ज़रूरी है भगवान के लिए भी, अपने लिए भी थोड़ा अच्छा लगता है, लगता है। जो भी है समझदार हो बाकी तो आप सब, और नहीं समझे तो पोगो देखो। हम जा रहे हैं नदी के किनारे तक, पूजा के कुछ चावल है वो हम प्रवाहित करने जा रहे हैं नर्मदा जी के तट पर। पूजा के कुछ चावल वगैरह उन्हें अर्पण करने हैं। तो और कितनी खड़ी घाटी है देखिए आप, ये देखो थोड़ा ऐसा ही रास्ता है खलान पे। तो क्या पूजा पाठ कर लिया आज आपने? डन हो गई, बहुत टाइम से लेट हो रही थी। अच्छा, आज जाके फाइनल हुई। क्यों कराई आपने पूजा? राहु और चंद्र दोष था मेरी राशि में, तो उसके में कुछ काम नहीं बन रहे थे। अच्छा। पंडित जी से बात हुई थी मेरे, तो उन्होंने बोला था कि पूजा करवा ली, छोटी सी पूजा। हाँ। तो भी करवा ली। चलो बढ़िया है बढ़िया। हाँ। पूजा पाठ तो अपने जीवन का एक अभिन्न अंग है, किसी न किसी बहाने तो होनी चाहिए। देखो आप ब्रिज दो ही तरफ है हमारे, ये देखो एक ब्रिज वो दूर दिख रहा होगा आपको, ये पुराना ब्रिज, ये पहले एक ब्रिज ये था, फिर अब ये थे इनकमिंग के लिए है और ये वाला आउटगोइंग के लिए है। बढ़िया है यार।
सिर्फ चावल और फूल डाले हैं। यहाँ पे क्या है कि ये पत्थर वगैरह बहुत गर्म है यहाँ के, इसीलिए इस जगह का तापमान भी बहुत ज़्यादा है। ये देख सकते हैं आप ऊपर कितनी ऊपर मंदिर है, और मंदिर के ऊपर हनुमान जी की मूर्ति भी है। यहाँ पे हमको अभी मालूम पड़ा है कि ये जहाँ मेरी उंगली दिख रही इतनी ऊपर तक जब पानी ज़्यादा गिरता है तो इतना इतना एरिया ये डूब जाता है, ये पूरा एरिया डूब जाता है, और ये बहुत खड़ा घाट है। तो वीडियो बना लेना आपके मोबाइल में। बहुत खड़ी चढ़ाई है और हमने कार भी चढ़ाई यहाँ पे। आप देखो ये कैमरे में थोड़ा कम समझ में आ रहा है पर मज़ा आ गया, और ये कार भी भपके मार रही है। ओ हो हो हो, इंटीरियर भी काला है और गर्म चिपक गए। ऑफ रोडिंग हो गई हमारी, हमारी शूटिंग कर रहे हैं उधर से। ₹100 कार में चीटी हो गई है लपक के। ये हाँ कहीं धोती वोती में चल गई, दिक्कत आ जाएगी। ये खलघाट है, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ किया था, पुराणों में ऐसा इसका नर्मदा पुराण में ऐसा व्याख्यान हुआ है। यहाँ पर 60 शिवलिंग है और एक ही शिवलिंग है जो दिखता आज भी। क्या लपक के पानी गिर रहा है ये पहाड़ों में, गर्मी भी बहुत हो रही है, उमस भी बहुत हो रही है, ह्यूमिड, और अभी पेट्रोल वगैरह डलाते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से आगे। अरे अंदर तक गाड़ी गीली कर दी है, बहुत तेज आया था, बहुत तेज। अभी हम खाना खाने रुके हैं एक जगह पे, पर खाना हमारा ही है। जाली ऐसी बैठने में डर लगे, खाना हमारा है पर बैठ के बहुत बढ़िया जगह खा रहे हैं। पर हम घर का खाना खाते हैं हम ज़्यादातर, हम खाना खा के मिलते हैं। फिर हमें इन्हीं सुंदर सुंदर रास्तों से घर की ओर निकले, तभी हमें ध्यान आया कि रास्ते में एक और प्राचीन जगह है, तो हमने प्लान बनाया वहाँ जाने का। फिर हम कहाँ गए वो आप देखना नेक्स्ट वीडियो में, और आपने यहाँ तक पूरी वीडियो देख ली है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। दीपू भाई इधर आओ, ये ऐसे ही फोटो डालेगा। हाँ।